राइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैंने बनाए हैं मशरूम चोरस राइस, और ये जो है मेरी खुद की स्पेशलिटी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर मेरे वीडियो सबको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना। और जैसे कि आप देखो ये कितने सुंदर और डिलीशियस, मतलब बहुत टेस्टी बनी हुई है। मैं तो अब इसे खाने के लिए रेडी हूँ, तो आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताना कैसे लगे आपको। मशरूम चोरस राइस बनाने के लिए मैंने लिए है चोरस, गोवन चोरस है ये, और ये बीट्स के हिसाब से होते हैं, और मैंने उसको मापसा मार्केट से लिए थे, यानी कि गोवा से ही लिए थे मैंने इसको। ये पोक चोरस है, और ये मेरा अनियन को मैंने इसमें एक बड़ी अनियन को कट के चॉप करके रखे हुए हैं। उसमें 4 से 5 आपका ड्राई चिली है, आप सब कश्मीरी मिर्च को यूज़ कर सकते हैं। मैं चिली ड्राई चिली से यूज़ कर, इसका स्मेल जो है बहुत अच्छी आती है। और उसमें से 4-5 लौंग है, और ये जीरा है हमारा, और सॉल्ट टू टेस्ट हमारा है थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। फ्रेंड्स, जो चोरस के साथ जाने वाले हैं जैसे है मशरूम, ये मैंने बटन मशरूम लिए हैं। आप कोई भी मशरूम यूज़ कर सकते हो जो आपको मार्केट में अवेलेबल मिले। तो पहले तो मैं सबसे पहले मशरूम्स को काट लूँगी, उनको इस तरह से काट लेंगे, और उसको ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, तो जैसे ये कुकर में जाएगा तो वह पिघल जाएगी। मैं सभी मशरूम्स को काट लिए हैं उसको बीच में से, तो अभी हम साथ ही साथ चोरस को भी काटेंगे। चोरस जो है, फिर उसको ये बीट्स के हैं, तो उसको से हम बीच में से दो बीट्स में से इस तरह से काटेंगे, और इसके जो धागा है उसको निकाल देंगे। ये सिर्फ गोवा पे ही अवेलेबल है क्योंकि ये गोवन लोकल डिश है। ये आपको मार्केट में बीफ और पोर्क में ही अवेलेबल है, तो मैंने पोर्क ली है। इस तरह से आपका इसका थ्रेड होगा, जो बीच में जो बीट्स बने हैं उसको आपको नाइफ के हेल्प से या सीजर के हेल्प से आप उसको निकाल ले सकते हो। तो इस तरह से मैं पूरे थ्रेड्स को निकालूंगी। इस तरह से हमें थ्रेड्स को निकालना है और बोल पे वापस रखेंगे। मैंने इसके सारे थ्रेड्स को निकाल लिए हैं, अभी हम उसको पकाएंगे। मैंने लिए कुकर में भी ऑयल डाल दिया, ऑयल अभी गर्म हो गए, तो पहले हम लौंग और जीरा को डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें मिर्ची को, उसके बाद हम डाल देंगे इस पर काली मिर्च, जैसे कि हमारे मिर्ची का कलर चेंज हो गया। तो अभी हम साथ ही साथ प्याज को भी डाल देंगे और उसको अच्छे से सॉटे करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अभी चोरस को, इसको थोड़े से इसको अच्छे सॉटे में देंगे, इसको एक बार चेक कर लेंगे। मैंने इसको हल्की सी इसके ढके ताकि इसका अच्छे से सॉटे हो। इसमें भी हम डालेंगे नमक और इसको वापस से सॉटे करेंगे। और अभी हम डालेंगे इसमें मशरूम को भी, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए उसको भी और पकाएंगे। उसके बाद हम उसमें राइस डालेंगे। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें हमें दूसरे मसाले डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें अपना ही एक कलर होता है। बहुत थोड़े देर के रखेंगे, उसके बाद हम इसमें राइस डाल देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए और कवर करते हैं ताकि मशरूम जो अच्छे से अपना पानी छोड़ दे। अच्छा, चेक करते हैं। अब इसमें हम राइस को डाल देंगे।
इसको भी हमने अच्छे से उठा पाँच मिनट तक के लिए इस तरह से हम उसको पकाएंगे, उसके बाद विसल करने के लिए रख देंगे। अभी आप इसमें पानी डाल सकते हो। तो मैं अभी जैसे नॉर्मल राइस बनाते हैं वैसे ही हम पानी इसमें डालेंगे। हमारा खाना है जो अभी बिल्कुल रेडी हो गई है और उसको दो विसल के बाद निकल देना है, जैसे कि आप नॉर्मल राइस पकाते हो। हमारा गर्मा गर्म मशरूम चोरस राइस बिल्कुल रेडी है अभी खाने के लिए। और आप भी देखिए सर, इसमें ये कितने टेस्टी और अच्छे लग रहे हैं। और गाइस, ये मेरी अपनी रेसिपी है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।